हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, क्या हाल है। आज हम ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एल्किल एमीन प्राप्त होता है और थैलिक अमल प्राप्त होता है। मतलब ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया, जब थैलेमाइड की अभिक्रिया हम क्या करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं या अन्य के साथ करवाते हैं, फिर बाद में एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्किल एमीन और थैलिक अमल प्राप्त होता है। तो आज हम देखते हैं ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, अच्छे से समझते हैं। देखो इधर, ये क्या है, थैलेमाइड है। क्या है ये, थैलेमाइड है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैसा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटता है, के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव के रूप में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव के रूप में टूटता है। अब यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप दोनों आपस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके OH और क्या निकाल देता है, माइनस H2O बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास अब क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी विद्युत धारिता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, ये इसके साथ क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बना रहा है, पोटेशियम थैलेमाइड। इतना समझ में आ गया। अब पोटेशियम थैलेमाइड क्या करना है, हमें बनाने क्या है, थैलिक अमल और एल्किल एमीन। अब पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ, या फिर हम यहाँ पे क्या करवा रहे हो, एल्किल ब्रोमाइड के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से क्या हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से पोटेशियम ब्रोमाइड तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब KBr क्या हो गया, प्लस में KBr क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एल्किल समूह है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, एन एल्किल थैलेमाइड। क्या बनाया, एन एल्किल थैलेमाइड। अब इसको क्या करें, तनु अमल की उपस्थिति में क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं तनु अमल की उपस्थिति में। तो जल अपघटन कराएंगे, तो इधर देखो एक बार, मतलब जल का सूत्र क्या होता है, H2O। मतलब इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, HOH, इस तरह लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो अब इसको हम क्या करें, जल अपघटन करवा रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, हम ये रख रहा हूं मैं HOH, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इतिहास हो जाएगी। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और जो एच है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो दो मोल क्या चाहिए, जल के मोल चाहिए। तो दूसरा क्या आया, एच ओ एच और ए येलो। तो ओ एच इसके साथ जुड़ा, ये ओ एच इसके साथ जुड़ा, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी। तो अब क्या बनेगा, देखना इधर, तो ओ एच जुड़ा था तो ये जुड़ गया, ये इधर जुड़ा तो ये भी इधर से जुड़ गया। अब हमारे पास दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना दिया, एल्किल एमीन, और ये क्या बन गया, थैलिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई। तो ये थी ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया, जो क्या है, काफी इंपोर्टेंट होती है। तो